तो दोस्तों फाइनली ब्लैक क्लोवर का मांगा चैप्टर 279 रिलीज हो चुका है एंड इस चैप्टर का नेम है डोर टू दी हेल। एंड बेसिकली इस चैप्टर में हमें नेक्ट और जैक वर्सेस दांते की आगे की फाइट के बारे में बताया गया है और इस चैप्टर में हमें एक और डेविल पोजेस्ड बंदे से इंट्रोड्यूस किया गया है, ये आप लोग को वीडियो में पता चलेगा। और इसके साथ ही दो नए डेविल से भी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इस चैप्टर में हमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 279 का रिव्यू करूंगा और इस पूरा चैप्टर भी कवर करूंगा। पर दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने ब्लैक क्लोवर का मांगा चैप्टर 278 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, आप लोग को पूरा चैप्टर का रिव्यू से साथ पूरा कवर भी मिल जाएगा। और एक और बात, इस वीडियो में ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट मांगा चैप्टर के स्पॉयलर्स हैं तो अगर आप लोग को स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो का भी क्विट कर दें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोग का आस्था और एनिमे ब्लैक एक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलो दोस्तों चैप्टर 279 का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत में हमें वही एंशियंट डीमन को दिखाया जाता है जिसे मेरुलेना कुछ चैप्टर पहले हरा चुकी होती है और अभी एंशियंट डीमन जल रहा होता है बिकॉज ऑफ मेरुलेना'स फायर। और फिर मेरुलेना बोलती है, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही दम है? और इस चीज को देख के स्पिरिट किंगडम के लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, वो क्या पावरफुल मैजिशियन है, अकेले ही एक एंशियंट डीमन को हरा दिया। और फिर रैल्फ कुछ लोगों को लेके उसी जगह पे पहुंचता है और रैल्फ बोलता है, कमांडर एल्बर्ट। एंड दोस्तों ये जो स्पिरिट किंगडम के लोग दिख रहे हैं आप लोग को, वो लोग रैल्फ के ही साथ हैं। और फिर स्पिरिट किंगडम का एक बंदा रैल्फ को बोलता है, देख के अच्छा लगा कि तुम सही सलामत हो और तुम सर नेक्ट से भी मिले। और रैल्फ आंसर देते हैं, हाँ मैं मिला नेक्ट से। और दोस्तों इससे आप लोग समझ सकते हो कि नेक्ट भी इन लोगों को जानता है। एंड देन रैल्फ उन लोगों को यूनो के बारे में बताता है कि यूनो एक विंड मैजिक यूजर है और वो अपने डैड की तरह ही दिखता है और वो अपनी मॉम से ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर हमें नेक्ट के डेविल को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है यूनो लैंग्रिस और जेनॉन के फाइट को और चार्लो ट्रिल और वेनिका के फाइट को। और यही चीज नेक्ट भी अपने डेविल की मदद से देख रहा होता है। और नेक्ट सोचता है आफ्टर वर्ल्ड का डोर खुलने में बहुत टाइम है और हमारे किंगडम के मैजिक नाइट्स मैंने जितना सोचा था उनसे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग निकले। एंड नेक्ट ऐसा इसलिए बोलता है बिकॉज वो जेनॉन और वेनिका की हालत देख चुका है। और फिर दांते बहुत जोर से हंसने लग जाता है ये सोच के कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है और वो बोलता है, क्या तुम मुझे एंटरटेन करोगे? और जैक दांते के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि वो अचानक से रुक जाता है। और उसके बाद स्पिरिट किंगडम में सभी जगह रूट उगने चालू हो जाते हैं, यानी कि सब जगह जड़ उगने चालू हो जाते हैं। और इसे देख के रैल्फ बोलता है, ये तो क्विलीपोथ है। और दोस्तों कुछ कुछ चीजें हैं जो प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो जाती है तो प्लीज उसे इग्नोर मारना बिकॉज रिकॉर्डिंग करते टाइम हर चीज सही नहीं हो पाता। और फिर नेक्ट अपने डेविल को कुछ बोलता है और वो यूज करता है यूनाइट मोड पेरिस। एंड देन फिर से नेक्ट का एक और न्यू फॉर्म आ जाता है और ये फॉर्म ऐसा दिखता है। एंड दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, ये फॉर्म मुझे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि नेक्ट अभी भी बहुत सारी चीज छिपा के रखा हुआ है जिसके बारे में हमें आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। एंड देन नेक्ट फिर से अपना शेडो मैजिक यूज करता है और वो जमीन के नीचे क्विपोथ के पास से माना सेंस कर पा रहा होता है, पर ये यामी और वनजांस का माना नहीं रहता। और फिर उसे एक बंदा दिखाई देता है और नेक्ट बोलते हैं, ये तो मॉरिस है जिसे स्पिरिट किंगडम से निकाल दिया गया था। अरे भाई ये स्पिरिट किंगडम नहीं, डायमंड किंगडम है। हाँ हाँ डायमंड किंगडम। और दोस्तों ये जो मॉरिस है ये पहले भी आ चुका है पर दोस्तों मुझे कुछ याद नहीं है ठीक से इसके बारे में, तो अगर आप लोग को अच्छे से पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ यार, मुझे भी जानना है इसके बारे में, मुझे ठीक से याद नहीं है। एंड देन मॉरिस बोलता है, वेनिका के डंप एक्शंस कई बार बहुत काम आते हैं, हार्ट किंगडम के विजडम के साथ मैंने क्विपोथ का ग्रोथ बढ़ा दिया है, मुझे अभी तक मेरे टैलेंट के बारे में पता नहीं था कि मैं डेविल पोजेस्ड हूँ। डेविल के मैजिक की मदद से मैं हार्ट किंगडम की क्वीन का विजडम निकाल के अपने में इम्प्लांट कर पाया। और इसे देख के नेक्स्ट सोचने लग जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे को आफ्टर वर्ल्ड का गेट खोलने की क्या जरूरत है। और तभी बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आफ्टर वर्ल्ड का गेट खुल जाता है और नेक्ट बोलता है, नहीं ऐसा मत करो। और फिर जहां नेक्ट जैक और दांते फाइट कर रहे होते हैं वहां दो नए डेविल्स आ जाते हैं और ये जो दो नए डेविल्स हैं उनकी पावर भी आप लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और ये दोनों डेविल नेक्ट और जैक के ऊपर अटैक कर देते हैं और जैक को वो अटैक पड़ जाता है और वो दीवार से जाकर टकराता है। और यहाँ आप लोग दांते का रिएक्शन देखो, दांते को देख के मजा आ जाता है यार, क्या तगड़ा रिएक्शन देते हैं दांते। एंड देन नेक्ट अपना एबिलिटी यूज करके बच जाता है और बोलता है, ये लोग तो टॉप क्लास डेविल हैं। और दोस्तों ये लोग जो टॉप क्लास डेविल हैं उनके बारे में जितना मुझे समझ आया मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो डेविल्स हैं टॉप क्लास वाले ये लोग बाकी डेविल्स की तरह नहीं है और इन लोगों का रैंक बहुत ज्यादा ही ऊपर है और इसलिए नेक्ट उन्हें टॉप क्लास डेविल बुला रहा था। और दोस्तों ये चैप्टर मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा बिकॉज इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिले और इसके साथ ही बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और मैं अगले चैप्टर के लिए बेसब्री से वेट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आगे का स्टोरी जानना है कि क्या होगा। और दोस्तों जब मैंने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था तब मुझे ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था और मजेदार भी नहीं लग रहा था, पर जब वीडियो बनाते टाइम मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो पूरा मेरा माइंड चेंज हो गया कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और शायद ये अभी तक का बेस्ट चैप्टर है। और दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, जो चैप्टर ब्लैक क्लोवर का रिसेंटली निकला है वो मेरा फेवरेट हो जाता है।
एंड देन चैप्टर एंड हो जाता है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया हूँ तो प्लीज़ अभी सुन लो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और अगर सही में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड दोस्तों अरिगातो गोज़ाइमासु। अरे भाई तू तो पागल है क्या, आउटरो के टाइम पे इंट्रो लगा रहा है।